हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि केवीएस की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कैसे आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ों को हमेशा की तरह देखिए डिटेल में कवर करने वाले हैं। बाकी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज आउट है, पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन आपकी इसमें कैसे होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक जॉब अपडेट, चाहे वो टीचर की वैकेंसीज का हो, SSC, रेलवे, बैंक, किसी भी अदर डिपार्टमेंट का हो, सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं, जिसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com वहां पे विजिट करके इंफॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, गूगल पे टाइप कर लेना, पहले नंबर पे साइट मिल जाएगी। चलिए ज्यादा टाइम लेते हुए सीधा बात करेंगे केवीएस की आई हुई लेटेस्ट ऑफ वैकेंसीज के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे देखिए बेसिक चीजें बता दूं। यहाँ पे देखिए कोई एप्लीकेशन फ़ी आपको पे नहीं करनी है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है, चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, और आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे विदाउट फ़ी आपको अप्लाई करना है, कोई एग्जाम भी आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। आप गूगल पे जाना, टाइप करना www.clory.com, जितनी भी रिसेंट वैकेंसीज आई है यहाँ पे क्लिक करके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बेस्ट से आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए हम बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। मैंने आपको पहले क्लियर किया, इंडिया में किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, आप इस अपडेट के लिए एलिजिबल हैं और इस अपडेट के लिए आप देखिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज कौन कौन सी है, एलिजिबिलिटी पोस्ट वाइज क्या क्या रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। तो अप्लाई आपको इसके लिए जरूर से करना होगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो करना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल पेजेस है दोनों आपके लिए। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वहां पे आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। इवन आप वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे TGT की वैकेंसीज है। सब्जेक्ट आप देख पा रही है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है, इसके अलावा साइंस के लिए है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, जिन भी कैंडिडेट ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। इसी के साथ आपने BEd या उसके इक्वलेंट कोई भी डिग्री है, आप अप्लाई यहां कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करें तो PRT के लिए है, मतलब प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसीज है। इसके लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 50% मार्क्स के साथ किया हुआ है, 2 ईयर्स का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर अगर ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे और मेंशन है ना, आपने 12th किया है या उसके इक्वलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है 50% मार्क्स के साथ, 4 ईयर्स की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया हुआ है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज भी आउट हुई है। इस पोस्ट के लिए देखिए एलिजिबिलिटी ध्यान से समझना, BE BTech कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या फिर BCA MCA MSc कंप्यूटर साइंस, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस में किया है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस कॉम्पोनेंट में किया है, MSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस आपने किया है, कोई भी इसमें से क्वालिफिकेशन है, आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें गेम्स कोच के लिए वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब की हुई है, डिप्लोमा आपने किया है और इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया हुआ पार्टिसिपेशन अगर आपकी रही है नेशनल या फिर स्टेट लेवल में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है नर्स के लिए, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ नर्सिंग में या फिर GNM की अप्लाई कीजिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं विद BEd वाले, या फिर BEd अगर आपने की है 1 ईयर का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया है तब भी अप्लाई कीजिए। काउंसलर की बात करें BA BSc साइकोलॉजी में की है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ कोई नहीं है, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, ठीक है। सिलेक्शन की बात करें यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपको इन्वाइट किया गया है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, उसके बेसिस पे बस आपके यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन है। अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 18 मैक्सिमम 60 तक भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
आपको अप्लाई की अगर बात करें या ओवरऑल क्वालिफिकेशन की बात करें, 12th ग्रेजुएट, बीई, बीटेक, डिप्लोमा और अदर जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्होंने देखिए नोटिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया हुआ है, आपने उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अच्छे तरीके से उसको फिल करना है, ठीक है। पहले अपना नेम मैंशन करना है, पोस्ट लिखनी है कौन सी पोस्ट के लिए आप सेंड कर रहे हो, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करनी है, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते जाना है, कब आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है, कौन सी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी है, कितने परसेंटेज थे आपके, ठीक है, और आपने साथ में अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सपोज दैट आप अप्लाई कर रहे हैं TGDU के लिए, मान लीजिए उसकी एलिजिबिलिटी कोई और है, ठीक है, जैसे आपने अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आपको लगाकर इनके एड्रेस पे भेजना होगा, ठीक है। इसी तरीके से अप्लाई करना, कोई अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट जरूर करना। टीचिंग की वैकेंसीज आए चाहे किसी अदर डिपार्टमेंट की, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।